हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी ब्लाउज़ का कलेक्शन। अगर मेरी ब्लाउज़ की डिज़ाइन से आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आए तो आप भी अपना ऐसा डिज़ाइन दिखा के टेलर को बना सकते हैं। सो मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज़, ग्रीन कलर का ब्लाउज़। ये मेरी साड़ी के साथ का ब्लाउज़ है। इसकी साड़ी पिंक कलर की साड़ी है एंड उसका बॉर्डर इस कलर ब्लाउज़ के ही कलर का है। सो उसी की तरह मेरा ब्लाउज़ है एंड मैंने इस ब्लाउज़ में बोट नेक दिया है। ये बोट नेक पे मैंने लेसेस लगाई है डबल करके। ये वन इधर है और वन इधर है। ये लेसेस मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। 5 रुपये मीटर की लेस है एंड इसकी नेक की चौड़ाई है 3 इंच एंड लंबाई है 2.5 इंच। इसकी स्लीव्स की लेंथ है 8.5 इंच, जो कि मैं अपनी इतनी ही रखती हूँ और मेरे लिए एल्बो तक स्लीव इतनी कंफर्टेबल होती है। एंड ये एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। इसमें मैंने पैडेड दिए हैं एंड इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है। और इसकी बैक साइड की बात करें तो इसका बैक साइड मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। ये पीछे से भी बॉट नेक है एंड आगे और पीछे की लेंथ सेम है। उसके नीचे से मैंने एक लीफ के जैसा डिज़ाइन लिया है, इसमें एक कट लगाया है लीफ के जैसे। और अब उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे एक स्मॉल सा कट दिया है मैंने, जैसे कि उल्टा वी बना देते हैं इस तरीके से मैंने कट दिया है। ये पीछे से ही ओपनेबल है, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसमें ये जो फ्लावर मैंने लगाया है ये भी मैंने लेस से ही बना के लगाया है एंड इसके ऊपर जो ये बो लगाया है ये मैंने ये स्लीव से जो लेस बची थी उसी से बनाया है। एंड ये भी यहाँ से भी ओपनेबल है, इसको इजीली ओपन कर सकते हैं और पहन सकते हैं। वापस से इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। एंड अगर आपको मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन ये पसंद आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना भी इस तरीके का डिज़ाइन एक बना सकते हैं। एक बात और, इसमें मैंने ये हुक लगाने के लिए 2 ये लगाए हैं। अगर इसमें इजी, इसमें थोड़ा आपको लूज लगता है लगने के बाद, तो मैंने सेकंड ये लगाया है, इसमें एकदम परफेक्ट आता है। मैं इसमें लगाती हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा लूज़ रह गया था तो ये मुझे परफेक्ट आता है। सो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं अपने कलेक्शंस में कुछ अलग यूनिक तरीके के ब्लाउज़ भी शेयर करूँगी। जैसे कि साड़ी के ऊपर जो पैच वर्क्स होते हैं उन्हें निकाल कर ब्लाउजेज़ तैयार किए जाते हैं, पैच वर्क से भी जो ब्लाउज़ बना सकते हैं। एंड ये जो मतलब इस तरीके का बॉर्डर होता है साड़ी के ऊपर, उससे भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। और साड़ी का जो पल्लू होता है, पल्लू कुछ मतलब साड़ी से अलग होता है, तो उससे भी हम मतलब ओल्ड साड़ी हो जाती है उससे हम ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में बहुत सारे तरीके से आपको ब्लाउजेस बताऊँगी कि आप किस तरीके से भी अपने ब्लाउजेस बना सकते हैं और आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल जाएंगे। बचे हुए फैब्रिक से भी ब्लाउज़ निकाल सकते हैं। तो ये सब आइडियाज़ आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। तो मैं अब आपको अपना सेकंड ब्लाउज़ दिखाती हूँ। ये मेरा सेकंड ब्लाउज़ है गोल्डन कलर का। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको ये कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि ये सीक्वेंस में है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। इसमें गोटे पत्ती के जैसा गोल्डन तार दिया हुआ है, जैसे कि गोटा पत्ती होती है गोल्डन कलर की, उसी तरीके का बहुत बारीक सा तार है, उसकी वजह से ये इतना शाइन कर रहा है। ये स्लीवलेस बनाया है एंड इसका नेक भी बोट है। इसके बोट की नेक की चौड़ाई 4 इंच है और नहीं 4.5 इंच है एंड लेंथ 2.5 इंच है। ये भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है और पैडेड ब्लाउज़ है। तो एक्चुअली ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी है और मुझे ब्लाउज़ भी बहुत पसंद है। ये गोल्डन कलर के ब्लाउज़ क्या होते हैं, सभी पे चल जाते हैं, तो मैंने ये स्लीवलेस रखा है। एंड बैक साइड मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। ये इसकी बैक साइड है, ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है इसकी बैक साइड। इसके बैक में ये कुछ इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ को इस तरीके से जा रहा है एंड ये नीचे की तरफ एक बेल्ट जॉइंट की हुई है अलग से। ये भी ओपनेबल है, ये यहाँ से ओपन हो जाती है। एंड इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये भी, इसमें भी हुक लगे हुए हैं, ये भी ओपन हो जाता है। तो और ये पीछे की तरफ पहनते तो इस तरीके का डिज़ाइन आता है। एंड इसकी लेंथ है 14 इंच। वो पहले वाला दिखाया था उसकी 15 थी और इसकी लेंथ है 14 इंच। सो ये ब्लाउज़ भी पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है एंड सीक्वेंस जैसा लुक देता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड ब्लाउज़, जो कि मेरा बहुत फेवरेट ब्लाउज़ है।
सो ये है मेरा थर्ड ब्लाउज, ये मेरी साड़ी के साथ का ब्लाउज है। इसकी साड़ी का कलर इस तरीके का है एंड ये जो इस पर वर्क दिया हुआ है, ये साड़ी के नीचे की तरफ जहाँ पे फॉल लगाते हैं, ये साड़ी के नीचे की तरफ इसी तरह से सेम इसी तरह से आया हुआ है। एंड ये जो लेसेस है ये मेरी साड़ी में ऊपर की तरफ आई हुई है। एंड ये स्लीवलेस, एक्चुअली ये पहले स्लीवलेस नहीं था, इस ब्लाउज में फुल स्लीव्स थी। तो ये ब्लाउज़ मुझे पहले थोड़ा मतलब अब मुझे टाइट हो गया था, तो मैंने इसके स्लीव्स निकाल दी थी। स्लीव्स के साथ मैं इसे पहन नहीं पाती थी, बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता था। और ये मुझे कुछ इसमें भी इस तरीके से भी थोड़ा टाइट हो गया था। तो जो स्लीव्स मैंने कट की थी वो स्लीव्स मैंने साइड में जॉइंट करके, स्लीव्स का कलर ये स्लीव्स का जो था वो ये वाला फैब्रिक था, तो यही मैंने इसमें जॉइंट करके थोड़ा इसको बड़ा कर लिया, जिससे कि अभी मुझे फिट आ जाता है। इसकी लेंथ भी 14 इंच है। एंड अब इसके बैक साइड की बात करते हैं, तो इसका बैक साइड कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, मैंने पीछे से यू शेप लेके फिर इसको इस तरीके से राउंड करके इसके सेंटर में ये मैंने इसमें जो बो लगाया है ये मैंने लेस से ही लगाया है, इस वाली लेस से ही बना के लगाया। एक्चुअली मुझे इस प्लेन कपड़े से ज़्यादा इस तरीके के मैं लेस से या बॉर्डर से लगाती हूँ तो वो ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड इसकी बैक में भी मैंने ये लेस दी है, ये और फ्रंट में भी यही वाली लेस दी हुई है। एंड मैं आप सोचेंगे कि ये ओपन किधर से होता है, तो ये ना पीछे से ना आगे से, ये एक्चुअली साइड से ओपनेबल है। आप ध्यान से देखिए इसमें एक चीज़ कि मैं अपने ब्लाउजेज़ में मोस्टली मैं ज़िप नहीं, हुक ही लगाती हूँ। तो आप इसमें देखिए मैं हुक किस तरीके से लगाती हूँ। ये जो पल्लू है, ये जो इसका ये यहाँ पे ये बैक साइड का बैक साइड में है जिसमें मैं ये लगाती हूँ, और फ्रंट साइड पे मैं हुक लगाती हूँ, और मैं उसको इस तरीके से लगा के फ्रंट साइड की तरफ ही इस फैब्रिक को कर लेती हूँ, जिससे कि सब कुछ, तो मैं इसको इस तरीके से फ्रंट में कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लाउज का कलेक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आने वाली वीडियोस में अपनी साड़ी का कलेक्शंस भी शेयर करूँगी, जो कि मेरी इन ब्लाउजेज़ की साड़ियाँ हैं या और भी साड़ियाँ हैं, मैं सभी का कलेक्शंस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू।